हे गाइस, तो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हम लोग ओसाका से बुलेट ट्रेन लेकर के टोक्यो पहुंच गए थे। तो आज है हमारा टोक्यो में लास्ट डे। तो हम लोग शिंजुकू स्टेशन पहुंच गए हैं और यहां से ही हम लोगों ने कावाकुची को जाने के लिए हाईवे बस भी ली थी। तो ये सामने ही है बस टर्मिनल और हमारा होटल भी पास में ही है। थोड़ा वॉक करना पड़ेगा हमको भी, तो चलते हैं पहले होटल। तो ये है वन ऑफ द मेन एरिया इन टोक्यो, शिंजुकू। तो ये है गाइस हमारा होटल और बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से तो। और यहीं से आसपास से एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चलते हैं अंदर, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है। शिंजुकू वॉशिंगटन होटल। तो शिखर कर रहा है अभी चेक इन और ये है लॉबी। ये थर्ड फ्लोर पे है होटल लॉबी और बहुत बड़ी लॉबी है इनकी। और शर्ली को एक मिनट भी पापा से दूर नहीं रहा जाता। पापा पापा चिल्ला के दिमाग खा देती है। कैसे शर्ली, बुलाओ पापा को, बुलाओ पापा को, बुलाओ पापा को, बुलाओ, बोलो पापा बोलो। तो ये होटल का रोबोट है, अगर कुछ भी सामान चाहिए तो ये रूम तक पहुंचा देगा। और शर्ली को बड़ा मज़ा आ रहा है उसे देखने में, है ना शर्ली? क्या है ये होटल का रोबोट है ये? तो ये है हमारा रूम और ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं जितना बड़ा सोचा था। ये है वॉशरूम, इसकी लाइट कहाँ से है? वॉशरूम। एटलीस्ट इस एरिया में हम अपना सामान रख सकते हैं। और ये है यहाँ से बाहर का व्यू, व्यू तो मस्त है। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब गिंजा और यहाँ पे यूनिक्लो का स्टोर है, यूनिक्लो फ्लैगशिप स्टोर नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि यूनिक्लो जापानीज़ ब्रांड है और आई होप कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता हो सिंगापुर के कंपैरिजन। अब वहीं जाकर के प्राइस पता चलेगा, तो चलते हैं। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये गिंजा है। तो हम लोग अभी मई में विज़िट कर रहे हैं और मई भी अब एंड होने ही वाला है, फिर भी यहाँ पे इतनी ठंडी लगती है जब हवा चलती है। तो अभी हवा चल रही है तो हम सब लोगों ने कवर अप कर लिया अपने आप को। पहले हम लोग ऐसे ही निकल गए थे होटल से, लेकिन फिर बाहर निकलते इतनी ठंडी लगी क्योंकि विंडी है इस टाइम। तो हम लोग पहुँच गए हैं और बहुत सुंदर स्ट्रीट है ये गिंजा नेबरहुड ही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब थोड़े ब्रांडेड आउटलेट्स हैं और चलते हैं अभी अंदर। फ्लावर्स भी है, उसकी कॉफी भी है। अरे वाओ। तो अपने किड सेक्शन में कपड़ों को देखने के बाद शर्ली का ये हाल हो चुका है कि अब ये लेट गई है बिल्कुल। बहुत मज़ा आ गया इसको यहाँ पे, खूब सारी शॉपिंग करी है हमने, शर्ली की भी करी है, हम दोनों ने अपनी भी करी है। तो हाँ शर्ली, तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग फ्लोर हैं डेडिकेटेड टू मेन वुमेन किड्स। तो ये 11 डेज जापान में कब ख़त्म हो गए हमें पता ही नहीं चला और अब टाइम आ गया है सिंगापुर वापस जाने का। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, हम लोग स्टे कर रहे थे सिर्फ वन नाइट के लिए ही वॉशिंगटन होटल शिंजुकू में। हाँ,
यस रोबोट, शर्ली को याद है कि वो रोबोट है। तो हम लोग अब निकल रहे हैं नरीता के लिए, नरीता एयरपोर्ट के लिए। और हम लोगों ने इस बार बस बुक करी है क्योंकि हमारे होटल के नीचे से ही पिकअप पॉइंट है और वो बता रही हैं कि कहाँ से है पिकअप पॉइंट। रोबोट तो सिंजुकू से डायरेक्ट नरीता एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस ट्रेन भी है, लेकिन क्योंकि हमारे होटल के नीचे ही लेमोजीन होटल लेमोजीन बस का पिकअप था तो हमने सोचा कि क्यों ड्रैग करना लगेज को इतने दूर स्टेशन तक, नीचे से ही आराम से लेमोजीन बस में बैठ करके चले जाते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रही है लेकिन हमारे लिए इजी है, कंफर्टेबल जर्नी है बेबी के साथ, तो हम लोग बस से जा रहे हैं। और बस भी बहुत कंफर्टेबल है, हम जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे तो हमने नरीता एयरपोर्ट से हनीदा एयरपोर्ट के लिए लेमोजीन बस ही ली थी। तो ये बिल्कुल हमारे होटल की लॉबी से हम निकलते हैं और ये रहा सामने एक्सप्रेस बस का स्टॉप। और आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, अच्छा ही हुआ हमने बस ले ली। तो आ गई है हमारी बस, ये ऑरेंज कलर की जो आपको दिख रही है। तो अभी लाइन है काफ़ी और बारिश हो रही है, तो थोड़े लोग पहले अंदर चले जाए उसके बाद जाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं नरीता एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और हमारी फ़्लाइट है फिलीपींस एयरलाइन की, तो वाया मनीला होते हुए हम जाएंगे। तो 4.5 घंटे की जर्नी पहले मनीला तक की है टोक्यो से, और उसके बाद इस बार लेओवर ज़्यादा टाइम का नहीं है, 1.5 घंटे का ही लेओवर है, और फिर वहाँ से अगेन 4 घंटे की फ़्लाइट टू सिंगापुर। तो चलते हैं। तो ये रोबोट घूम रहा है यहाँ पे और शर्ली डर रही है उससे। तो हमने टिकट ले ली है, ये है टोक्यो से मनीला तक की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास, और चलते हैं। हमें लाउंज भी मिला है तो लाउंज में चलते हैं पहले। ये है जल सकुरा लाउंज। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पहले लाउंज में। और अंदर से व्यू भी बहुत मस्त है। हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहुंच गए हैं लाउंज में और बहुत ही क्लास लाउंज है ये, और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मस्त कॉर्नर मिल गया है हमें यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं और आराम से वॉच करेंगे यहाँ से प्लेन को। तो बहुत कुछ लेके आई हूँ मैं भी खाने के लिए, सैलेड है ये, फिर साथ में है मिसो सूप और राइस, ये है अनियन सूप, फिर यहाँ पर है 4 चीज़ डैनिश पेस्ट्री, और ये है एक बेंटो सेट, तो ये हम नहीं खाने वाले हैं, ग्रिल्ड फिश है इसके अंदर। फिर ये है प्लम पिकल टोफू विद सीवीड, और ये भी है हॉट चीज़ विद टोफू। तो ये वाली जो डिश है ये है डिज़र्ट टोफू का, और ये है ब्लूबेरी और ये है ब्लूबेरी की डिज़र्ट, और साथ में है पेने पास्ता, अच्छा है, सबसे अच्छा यही लग रहा है मुझे। बाकी तो जितना खाना हमने मंगवाया था सब बकवास था। लाउंज में आपको देख के अच्छा लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि कितना टेस्टी खाना है, दिखने में कितना कलरफुल है, बट टेस्ट वाइज सबसे अच्छे लाउंज हमारे इंडिया के ही होते हैं क्योंकि हमें अपना देसी खाना मिलता है उसमें। तो हम लोग कर रहे हैं लास्ट मिनट ड्यूटी फ्री शॉपिंग, और इतना कुछ है अभी भी यहाँ पर ट्राई करने को, ऐसा लग रहा है कि 11 दिन में भी हमने कुछ भी यहाँ पर खाया पिया नहीं है, इतना सारा सामान है। शर्ली तुम्हारी ट्रेन ले दी है बेटा, उसको खाओ मत, अभी बिलिंग करानी है। तो शर्ली के लिए हमने ट्रेन खरीदी है और उसको छोड़ नहीं रही है। तो यहाँ पे ये मेलन रखा है, तो ये मेलन वाला स्वीट है किटकैट, तो ये मेलन किटकैट है। यहाँ पे किटकैट के भी बहुत सारे वेराइटीज़ है। तो हमारे पास जितना कैश था बचा हुआ, पहले हमने वो उससे पेमेंट करी है, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट था वो हमने कार्ड से पे किया है, तो वो सही था कि इन्होंने दोनों एक्सेप्ट कर लिया, और इसी बहाने हमारा कैश जो था वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हम जो भी कुछ ख़रीदेंगे या जो भी लेंगे वो हम कार्ड से पे कर सकते हैं, एटलीस्ट कैश की फिर टेंशन नहीं है कि ख़त्म करना है ख़त्म करना है।
और ज़्यादा भी नहीं था कि हम उसको एक्सचेंज करवा के वापस सिंगापुर डॉलर्स लेते, तो ये सही रहा। और बहुत बड़ा स्टोर था, बहुत सब कुछ था इसके अंदर, स्नैक्स, टॉयज, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम लोग चलते हमारे गेट की तरफ। तो ये खड़ा है हमारा एयरक्राफ्ट, फिलीपींस एयरलाइन, और बोर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। बहुत तेज़ बारिश हो गई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरे फ्लाई के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये है हमारा कैबिन आज का। तो शर्ली तो अपनी ट्रेन छोड़ ही नहीं रही है ना शर्ली? तो इस बार हमारा फुल फ्लैट बेड बन जाएगा। तो ये है हमारी सीट, ये वाली शिखर की है, ये वाली मेरी है, मेरी और शर्ली की। और बहुत अच्छा स्पेस है इसमें। For me, a glass of tea and apple juice. Yes. She's so cute. Shall you want water? You want plain water? Water. Shall I give it to you? Hello. Water. I'll just give it to her. Thank you so much. तो ये है normal water. ये है water with lemon. ये है apple juice. ये बन रहा है अब फ्लैट बेड, और इसमें आराम से हम सो के जा सकते हैं। तो अभी शर्ली को भी सुलाना है मुझे। तो ये पूरा बन गया है फ्लैट बेड, और शर्ली देख रही है कि पापा कर क्या रहे हैं। मैंने ये भी बना दिया है, और अब शर्ली को सुलाती हूँ इसमें। तो शर्ली ने अपनी नींद पूरी कर ली है, और कभी इधर और कभी उधर भाग रही है, क्योंकि हम लोगों को इस बार आमने सामने की नहीं मिली है सीट, आगे पीछे मिली है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।